मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी आखिर पीती है करोड़ों का पानी, लेकिन क्या रहता है इस पानी में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और पाकिस्तान के पंजाब का एक ऐसा अद्भुत आदमी जो पिछले 25 सालों से सिर्फ पेड़ों की टहनियां और पत्तियां खाके जिंदा है, लेकिन कैसे? और जब रतन टाटा जी से पूछा गया कि वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों नहीं है, तब उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। और कैसे सिर्फ 6 साल के मासूम बच्चे ने ढूंढ निकाली 12,000 साल पुरानी ये रहस्यमय चीज, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। अगर जानना है इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, दुनिया की सबसे महंगे पानी की बोतल की कीमत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक्वा दी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोदिग्लानी नाम के 750 ml की पानी की इस बोतल की कीमत लगभग 42 लाख रुपए है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जी इसी पानी के बोतल का पानी पीती हैं। इस पानी में लगभग 5 ग्राम सोना मिक्स होता है, जो पानी को मेंटली हेल्दी और फिजिकली फिट रखने में मदद करता है। वैसे इससे अच्छा तो हमारे घर का मटके वाला पानी होता है। मटके के पानी में एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मटके के पानी की कीमत इतनी तो नहीं होती न कि इसे खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ जाए। नंबर 2, एक आदमी ऐसा भी है जो पिछले 25 सालों से सिर्फ पत्तियां खाकर जिंदा है। 25 सालों से पत्तियां खाने के बावजूद भी उस आदमी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरानी में पड़ गए। दरअसल पाकिस्तान के 50 साल के महमूद अहमद रोजाना खाने में पेड़ पौधे की टहनियां और हरे पत्ते खाते हैं। दरअसल उनका कहना है कि बचपन में बहुत गरीबी के चलते उन्होंने ये सब खाना शुरू किया था और धीरे धीरे उन्हें ये सब चीज खाने की आदत लग गई। हालांकि अब उनको पैसे को इतनी किल्लत नहीं है, वो घोड़ा गाड़ी चला के रोजाने के 600 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें हरी पत्ती और टहनियां खाने की आदत लग चुकी है, जिस वजह से वो आदत से लाचार होकर मौका पाते ही उन्हें खा लेते हैं। वैसे डॉक्टर्स तो अभी भी परेशान है कि इतने साल पत्तियां और टहनियां खाने के बावजूद इनके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट क्यों नहीं दिखा। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नंबर 3, आखिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी क्यों है, रतन टाटा जी क्यों नहीं? ठीक ऐसा ही सवाल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ने रतन टाटा जी से पूछा था, तो इस पर रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं एक उद्योगपति यानी कि इंडस्ट्री का मालिक। मुझे देश में फाइनेंशियल सुपर पावर नहीं बनना बल्कि अपने देश भारत को सुख और समृद्ध बनाना है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है। रतन टाटा जी हर साल अपनी करोड़ों की संपत्ति गरीब लोगों को दान में दे देते हैं, जिस वजह से वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है। जब भारत में कोरोना फैला था तब भी रतन टाटा जी ने ही सबसे ज्यादा पूरे 1500 करोड़ का डोनेशन दिया था। इस महान व्यक्ति के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, आपने इंसानों को बीयर पीते तो देखा होगा, लेकिन अब ये भी देख लो, दुनिया की इकलौती ऐसी बकरी जो बीयर पीती है, इसका नाम है क्लैमी हेनरी। ये बकरी दिन भर में लगभग 35 से 40 बीयर की बोतल आराम से सफा चट कर देती है। कई बार तो ये आसपास चल रहे लोगों के हाथ से बोतल छीनकर पीने लगती है, ये सोच के कि उस इस बोतल में बीयर होगी। लेकिन इस बकरी की भी किस्मत कम नहीं है। जब आसपास के शहर के लोगों को ये बात पता चली तो दूर दूर से लोग इस बकरी को बीयर पिलाने के लिए आने लगे। वाह क्या किस्मत है दोस्तों। नंबर 5, पूरी दुनिया के तरह इस समय भारत भी बिजली संकट से जूझ रही है। भारत में कुल 135 पावर प्लांट है, जिनमें से 70 से 80% कोल प्लांट में एक हफ्ते से भी कम का कोयला बचा है। लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से भारत के कोल फील्ड के CMD श्री PM प्रसाद ने ये कहा है कि भारत में अभी कोयले की कोई कमी नहीं है, बस कोयले की डिमांड बहुत ज्यादा है और डिमांड के अनुसार सप्लाई कम है। उनका कहना है कि अभी अभी पावर प्लांट्स में इतना कोयला मौजूद है कि अगले 20 दिनों तक बिजली की कोई संकट नहीं आएगी और उसी 20 दिन में हम सभी कोल पावर प्लांट को कोल प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों जो कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और लोगों को डरा रहा है कि इस हफ्ते भारत की बिजली गुल हो जाएगी, उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करें। नंबर 6, कानून अंधा तो है लेकिन इतना अंधा है ये नहीं पता था। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि देश का जो सबसे पुराना पेंडिंग केस है, असल में वो उस कोर्ट से भी पुराना है जहां वो पेंडिंग केस पड़ा हुआ है। जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST/1/1800 देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है। ये केस लगभग 221 साल पुराना है और इसी साल 1800 में दर्ज किया गया। इस केस में आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट देश में बनाई गई पहली हाई कोर्ट थी, जिसकी स्थापना 1862 में हुई। अंग्रेज बैरन्स पिकॉक इसके पहले चीफ जस्टिस थे। अभी के समय में कलकत्ता हाई कोर्ट को सबसे ज्यादा पेंडिंग केसों
वाला अदालत माना जाता है। इसमें फिलहाल 2,44,000 केस पेंडिंग है और इनमें 9,09,979 केस ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हैं। नंबर 7, एक 6 साल के बच्चे ने ढूंढ निकाली 12,000 साल पुरानी एक ऐसी खास चीज जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। ये बात है अमेरिका के मिशिगन की, जहां एक 6 साल के बच्चे ने 12,000 साल से भी पुरानी हाथी जैसे दिखने वाले एक बड़े जीव का दांत खोज निकाला। इस बच्चे का नाम जूलियन गैगनोन है। जूलियन का कहना है कि जब वो अपने परिवार के साथ घूम रहा था तब उसके पैर से अचानक कोई चीज टकराई। जब उसने देखा तो वो कोई पत्थर जैसी चीज थी, लेकिन जब जूलियन के पिता उस चीज को लेबोरेटरी में लेके गए तो उन्हें पता चला कि ये अद्भुत सी चीज 1200 साल पुराने मैस्टोडोन्स का दांत है। मैस्टोडोन्स हाथियों के पूर्वज थे जो 12,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। उनका वजन करीब 11,000 किलोग्राम हुआ करता था और ऊंचाई लगभग 2.9 मीटर। यार, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? रोड पर चलते हुए हमारे पैरों से कोई प्राचीन चीज क्यों नहीं टकराती? अगर आपको भी ऐसी चीजें मिली हैं कभी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है।